हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और अभी बजे हैं रात के 10, ठीक है। और आज की वीडियो एक चैलेंज वीडियो है, ठीक है। तो एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रही थी पहली बार, क्योंकि इस बार कुछ ऐसा चांस पड़ गया कि मुझे एक्सपेरिमेंट करना पड़ रहा है। एक्चुअली मेरी थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैंने इससे पहले करवा चौथ पर बनवाई थी और उसके बाद मैं नहीं बनवा पाई, और कल मुझे जाना है फंक्शन में। तो समझ नहीं आ रहा कि ऐसे ही चली जाऊं। थोड़ी बहुत होती हैं तो मैं छोड़ देती हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरी जो पार्लर वाली है, मैंने उसे फ़ोन किया तो वो खुद शादी में गई हुई हैं और वो नहीं आ पाएंगी कल तक। तो इसीलिए मैं करने जा रही हूँ एक एक्सपेरिमेंट आज। जो हेयर रिमूवल क्रीम होती है उसको ईयरबड की मदद से लगाएंगे, ठीक है। और देखते हैं, सिर्फ नीचे के बालों पर लगाना है, ऊपर का ऐसा कुछ नहीं है। बस नीचे के ये जो है एक्स्ट्रा जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है मेरी, इनको रिमूव करते हैं, ठीक है। और बालों में मेरे डल रहा है तेल, क्योंकि मुझे कल सर धोना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर ऐसी ही और वीडियोज आप देखना चाहते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे हाथ में ये एवरटीन की हेयर रिमूवल क्रीम है, ठीक है। तो इसे ईयरबड की मदद से लगाते हैं, ठीक है, और फिर इसका मैं रिजल्ट दिखाती हूँ आपको। आज से पहले कभी भी मैंने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, पहली बार करने के लिए जा रही हूँ। थोड़ा डर भी लग रहा है कि कहीं आंखों पे इफेक्ट ना पड़े इसका, बट कहीं से सुना था कि कोई करता है ऐसा, तो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं। इमरजेंसी है तो सब कुछ चलता है इमरजेंसी में। तो और फिर मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं, अगर काम हो गया तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जा पाते इमरजेंसी में, ठीक है, तो उनका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि उनको मेरी वीडियो के थ्रू पता चलेगा कि आखिर इसका रिजल्ट क्या रहता है। तो इसे फटाफट से ईयरबड की मदद से लगाते हैं। यह है क्रीम और ये है ईयरबड, ठीक है। तो ये मैंने ले ली है ईयरबड पे और मैं इसको लगा रही हूँ। बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पता है मेरे को। मेरा शीशा ना ये थोड़ा पुराना हो गया है। एक मिनट, मैं सारी की सारी लाइट्स जलाती हूँ। तो ये मैं लगा रही हूँ धीरे धीरे। भाई बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ ना हो और आँखों पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बस यही डर लग रहा है। बट हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी, एक बार इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करके देखते हैं कि ये कितना काम कर रहा है। दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। तो ये मैंने लगा ली है, कुछ इस तरीके से ना मैंने लगा ली है। अब बाकी इसको रिमूव करके पता चलेगा। अभी 5 मिनट का वेट करूंगी मैं, इसको सुखा कर देन इसे साफ करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है, कि ये कितना असर किया है। बाकी काफ़ी ठंडक लग रही है, थोड़ी जलन सी भी हो रही है और काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा है मुझको कि पता नहीं इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। बट एक बार तो ट्राई करना बनता है, बस ब्लैकिश ना हो। वैसे मैंने अभी तक इसे जो यूज़ किया है उससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ है, बट मैंने अभी तक इसे अंडर आर्म्स में ही यूज़ किया है। तो देखते हैं 5 मिनट बाद इसका रिजल्ट, और आप लोगों तक ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियो पूरी देखना, वीडियो में बने रहना, ठीक है। तो मैं इसे जा रही हूँ क्लीन करने। ओह माय गॉड, मतलब हेयर्स तो रिमूव होंगे, ठीक है, वो तो पता ही था कि हेयर्स रिमूव हो जाएंगे, बट सही में ना बहुत सही काम किया है इसने। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, मुझे ऐसे मैं इसमें देख के नहीं क्लीन कर पा रही, मैं थोड़ा शीशे में देखकर ही क्लीन कर रही हूँ। बट यार बहुत सही है, मतलब इमरजेंसी कभी पड़े तो बहुत ज़्यादा सही है। ये देख रहे हो आप, बस ये समझ नहीं आ रहा कि कुछ हेयर्स मेरे अभी रह गए हैं।
तो मैं इसे ठीक से क्लीन करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो ये मैं क्लीन करके आ चुकी हूँ फेस को अपने, और हाँ यार काम करता है, देखो काफी सेट हो गया। बस इसे ठीक से लगाना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी बनवा कर आई हूँ। बस थोड़ी सी ना जलन हो रही है, तो अभी मैं इस पर एलोवेरा लगाऊंगी। और ये देखो मैं आपको हेयर्स दिखाती हूँ, ये रहे इसमें अंदर मतलब भर रहे हैं काफी सारे, क्योंकि मैंने मोड़ के ना फिर से पहुंच लिया था तो उसमें भर रहा है। बट हाँ काफी सही काम करता है ये, और मुझे बहुत ठीक लगा, इमरजेंसी के लिए बहुत ही अच्छा है। बस इसके बाद ना थोड़ा एलोवेरा लगाऊंगी आंखों पर, जिससे कि जो ये इचिंग हो रही है ना ये ठीक हो जाए। तो अगर आप लोग भी ना इसको ट्राई करो तो अच्छा है, मुझे काफी ठीक लगा ये। बस इसके बाद ना आंखों पर एलोवेरा लगा लेना, जिससे कि कोई इन्फेक्शन या एलर्जी ना हो, ठीक है। तो मुझे तो बहुत सही लगा यार, बहुत अच्छा है, देखो बिल्कुल क्लीन, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं थ्रेडिंग बनवा कर आई हूँ अभी, बहुत ठीक लग रहा है। तो इमरजेंसी के लिए काफी ठीक है ये। अब कल के फंक्शन में जाने के लिए मैं रेडी हूँ। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे ऐसे ही और अच्छे अच्छे चैलेंजेस के साथ। बाय बाय।